मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ व एनकाउंटर का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ितों ने जिला अधिकारी अनंजय कुमार सिंह से मिलकर मामले की शिकायत कर मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की है। वहीं डीएम ने साक्ष्य सबूत के आधार पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पीड़ित के मुताबिक 20 जनवरी 2020 को ईक के खेत में लड़की का शव मिला था, जिसमें 21 जनवरी को पुलिस पीड़ित के लड़के बाबू बेग को गांव वालों के सामने ले गई। बाद में पुलिस ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर हत्या करने का जुर्म इकबाल करवाया, जबकि उसके बाद आज 26 जनवरी को पुलिस ने बब्बू के साथ एक अन्य लड़के को हिसार उद्दीन को बदमाश दिखाकर फर्जी मुठभेड़ व एनकाउंटर में गोली मार दी, जिसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। वह तीसरा लड़का फैसल को लड़की के साथ बलात्कार के असफल प्रयास में हत्या करने के आरोप में फर्जीवाड़ा किया है। वहीं एसपी राम कुमार संतोष कुमार मिश्रा ने पकड़े गए सभी लोगों को बदमाश बताया है और मुठभेड़ व एनकाउंटर करने की बात कही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। पूरी घटना क्या है सर? जनपद रामपुर में थाना शाहबाद अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व एक युवती की बॉडी मिली थी। इस पे मौके पे मैं स्वयं पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचा था। इस घटना के खुलासा के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। एक हफ्ते से जो लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर रही थी, उसी के तहत थाना शाहबाद टीम और हमारी एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो दो बदमाश थे, जिन पे 25,000 का इनाम भी किया गया था, इन दोनों बदमाशों को पुलिस इनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में आज गोली लगी है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो दो लोग जिनको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, बब्बू बेग और इशारुद्दीन शातिर किस्म के ये बदमाश हैं, जिन्होंने युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। इनको रगड़ के आज पुलिस एनकाउंटर में जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपराध करते हैं, पब्लिक या पुलिस पे गोली चलाते हैं, हमारी थानों की टीम एसओजी की टीम इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई करके रगड़ के और आवश्यकता पड़ी तो पुलिस एनकाउंटर में इन सबको उठा के जेल भेजेगी और कड़ी कार्रवाई इसी तरीके से जनपद रामपुर में चलती रहेगी। पुलिसकर्मियों को घायल हुआ सर, ऐसा कुछ चेक करा जा रहा है। मौके पे पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली ये हमारी जो टीम है, थाना शाहबाद की टीम और एसओजी टीम, इनको 20,000 रुपये इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये जो आज मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने ये मुठभेड़ कैसी की है और क्या इसकी असली कहानी क्या है? असली कहानी सर ये है, ये लड़की गलत थी। इसके घर वालों को पता चला कि हमारी लड़की के नाजायज संबंध किसी लड़के से हैं, ठीक है। इन घर वालों को इनके शक हुआ। शक होने के बाद इन्होंने लड़की इनकी गायब हुई जुमे के दिन 2:30 बजे। और मेरा भाई जो बब्बू अंदर इनके कस्टडी में है पुलिस वालों की, वो 2:30 बजे नमाज पढ़ के आया जुमे की। उसके बाद में इसकी जो लाश मिली वो मिली सोमवार के दिन 20 तारीख में। 20 तारीख मिलने के बाद में सर लड़का हमारे भाई को जो मेडिकल पर उठाया, उन्होंने दुकान खोलता है बराबर में मेडिकल, उसका आगे बढ़ा करीब 200 मीटर दूर, 150 मीटर दूर लपेट में उस घर से, वहाँ चौराहे पे। तो वहाँ से इन्हें उठाया दिन के 11 बजे, पूरे स्टाफ ने उठा के बंद कर दिया। 6 दिन इसे पुलिस ने हिरासत में लिया अपनी, इसको क्या नाम है रिमांड में कर्रा करके लिया। आखिर ये भी 4 दिन पहले ये भी कहा गया पुलिस वालों ने कि तेरे गोली मारेंगे हम, और आज उन्होंने गोली ही मार दी। अच्छा, हमारे भाई की आज गोली मार दी 6 दिन रखने के बाद कस्टडी में अपने। बाकी इससे पहले की कोई एफआईआर नहीं है थाने के अंदर उसकी, आप इनकारी कर सकते। हमें चाहिए न्याय चाहिए सर। अगर हमारा भाई गलत हो तो बेकस बेतड़क गोली मार दें आप। आपका भाई कहाँ तक पड़ा हुआ है? हमारा भाई इंटर करा हुआ है। कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड है? कोई आपराधिक रिकॉर्ड? ये बताओ, पुलिस तो बदमाश बता रही है, इनाम भी बताया गया है, बताया सर इसने। और मुठभेड़ 6 महीने पहले आप कह रहे हो 8 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया उसको, वो बता रही है कि आज मुठभेड़ करी है 21 तारीख में और गोली रात मारी है इन्होंने। अगर ये था तो इसका चलान करते। मतलब आपकी नजर में क्या है? हमारा भाई 101% बेगुनाह है। हमारे संग में ये अन्याय हो रहा है। ये जो एनकाउंटर हुआ, ये जो आज मुठभेड़ करी है, पुलिस ने एनकाउंटर किया, ये इसने अपराध करा है हमारे संग पुलिस ने। गलत किया आपके गलत किया हमारे साथ। आज आप कलेक्ट्रेट जो है क्या करने आए हैं यहाँ पर? किससे मिले आज आप? अब आप जिलाधिकारी साहब से मिलना आए। आपके हिसाब से ये मुठभेड़ पुलिस की जो सुबह हुई है वो फर्जी है? जी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, सब रचा गया खेल, बिल्कुल सब कुछ फर्जी। जिलाधिकारी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कह रहे हैं सोचेंगे हम। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिफ खान है। आपके भाई का नाम? बब्बू बेग। कहाँ रहते हैं? मित्रपुर। ठीक, क्या घटना हुई है आपके बेटे के साथ? मेरे लड़के के साथ में घटना हुई है साहब, 6 21 तारीख में उठा लिया, उस दिन तो रोज मारा है।
रोज मारा है पुलिस, और ये भी कहते कर रहे ये बेकसूर छोड़ देंगे। किस संबंध में? वो एक लड़की उठा ली थी 16 तारीख में, मेरे लड़के पे वो मिली 21 तारीख में, मेरे लड़के को उठा लिया 20 तारीख में लड़की की मिली उसकी लाश। मेरे लड़के का कोई ना संबंध ना कुछ, मेडिकल चलाता है मेरा लड़का, तो बहुत दूर रहता है, मेरा घर भी बहुत दूर है, डॉक्टर है वो। तो कहाँ तक पढ़ा लिखा है आपका? इंटर करा हुए है वो। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? कुछ नहीं बिल्कुल, आज तक बहुत परिवार मेरा सीधा। मैं तो एक मुठभेड़ जो हुई है उसमें आपका बेटा है? मेरा बेटा है। तो मुठभेड़ कैसी है, क्या है वो पूरी बात वो बताइए। मैं तो साहब गोली मारी है। किसने मारी गोली? गोली ये क्या पता है साहब, ये तो उन्होंने पुलिस ने मारी है गोली। अच्छा पुलिस ने मारी है गोली? क्यों मारी है? उन्होंने ये कही है कि तेरे ऊपर केस झूठा केस लगा रहे हैं, बराबर झूठा केस लगा रहे हैं, मार पेल रहे हैं। यानी पुलिस ने पहले हिरासत में कर लिया, बाद में मुठभेड़ दिखाई? हाँ हाँ, बाद में दिखाई है। 21 तारीख में ले लिया है उसे तो रिमांड में, और रोज मार रहे हैं। अच्छा रोज मारा है, रोज मारा है। तो आखिर सबसे बड़ी वजह फिर सामने आ रही है कि लड़की की मौत कैसे हुई, फिर हत्या कैसे हुई, ये हमें साहब कोई पता नहीं, हम तो बहुत दूर रहते हैं। आज आप कचहरी आए हैं, आज किससे मिले आप? किससे मिले? जिला अधिकारी से मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि साहब हाँ सोचन कार्रवाई करेंगे। हाँ कार्रवाई करेंगे। ये जो आपके पास ये पीड़ित आए हैं, क्या इनकी शिकायत है? मेरे पास पीड़ित जो है याकूब बेग, जिनका लड़का बब्बू है, इन्होंने बताया कि 20 तारीख को गांव के खेत में लड़की की लाश मिली थी। उस संबंध में 21 तारीख को मेरे लड़के तो मेडिकल जो चलाता है 11 बजे दिन के गाँव वालों के सामने मेडिकल से उठा कर पुलिस ले गई। उसके बाद उसका हमने काफ़ी तलाश किया, पता नहीं चला। अब मालूम हुआ कि कल रात 26 तारीख की रात को इस समय पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर दिखा के उसके टांग में गोली मार दी, और अभी उसका पता नहीं चल रहा है कि वह है कहाँ, किस अस्पताल में है, यहाँ भी घूम दिए सब में हुआ। क्या फर्जी मुठभेड़ दिखाई जा रही है? फर्जी मुठभेड़ दिखा के इस संबंध में आपने जो है क्या कार्रवाई की? इन्होंने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, डीएम साहब ने इसको गंभीरता से लिया है। अच्छा आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, जांच कर कार्रवाई का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।